Welcome to SJ Inceptions, your aquarium channel. I am at the Tabrez Bhai's fish shop that is located at Kurla East. और टाइटल से आपको पता ही चल गया रहेगा, ये वीडियो काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि तबरेज भाई के यहाँ पे जाके बीटा फिश की वीडियो बनाइए. और अभी हाल ही में तबरेज भाई के शॉप में इन्होंने एक काफ़ी खूबसूरत बेटा फिश का सेटअप बनाया, जो आपके सामने आप यहाँ पे देख सकते हो. इसके अंदर एक काफ़ी सारे खूबसूरत बेटा फिश टाइप्स जो हम देखने वाले हैं. और अब हमारे साथ है फिश शॉप के ओनर मिस्टर तबरेज. हेलो तबरेज भाई, कैसे हो आप? बड़े दिनों के बाद भाई आप आए हो वीडियो में, क्या बताना चाहोगे? अच्छा, बताना क्या वीडियो? काफ़ी लोग बोलते हैं कि तबरेज भाई के यहाँ पे न्यू स्टॉक की वीडियो बनाई है, बीटा फिश की, गप्पी फिश की और काफ़ी सारे फिशेस की वीडियो बनाई, क्योंकि आप बहुत सारा लोगों को नॉलेज देते हो. पास्ट वीडियोज़ में काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके लोगों को पसंद आए थे. ये वीडियो में हम आपकी जो बीटा फिश के स्टॉक है उसके बारे में हम बात करने वाले. तो हम तीन पॉइंट्स के ऊपर भाई बात करेंगे. सबसे पहले जो है बीटा सेटअप, बीटा कीपिंग, दूसरा पॉइंट जो है बीटा केयर और तीसरा पॉइंट जो है बीटा फूड. तो बीटा केयर, बीटा कीपिंग और बीटा फूड के ऊपर, ये तीन मेजर पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे. मैं आपके एक एक बेटा दिखा देता हूँ. पर बताना चाहोगे कि कौन सी बीटास है आपके पास अभी? ये सारी जो है थाईलैंड ब्रीड है, फुलमून फाइटर्स है. अच्छा, मैं कैसा इनको साथ में मैं रखा हूँ करके ज़्यादा करके लोग मिसमैच होता है. अच्छा, तो पता नहीं चलता कि लोगों को फुलमून क्या होता है. अच्छा, ऐसा होता है कि अगर आप टेल लोगोगे तो उनका पूरे पीछे का जो टेल है पूरा फुल राउंड हो जाता है, पीछे का टेल. ठीक है, आप देखो अगर प्रॉपरली. अच्छा, तो राउंड हो जाता है. अच्छा, ये भी तो कुछ बैठे हुए हैं इसमें कुछ. अच्छा, अच्छा, ऐसे है कि वो पूरा खुलेंगे तो पता चलेगा आपको. और ये, भाई ये जो सारा स्टॉक जो है आपका, ये इम्पोर्टेड स्टॉक है राइट? जी जी, इम्पोर्टेड स्टॉक से सारे जो है मेरे एक्जॉटिक वराइटी जो आती है. जी जी, उनमें की है. जैसे आप देखोगे आपको नॉर्मली मार्केट में मिल जाएगा रेगुलर, लेकिन ये मेटालिक टाइप है, ये आपको ज़्यादा देखने नहीं मिलेंगे. अच्छा, मेटालिक में है, कंबोडियन टाइप में है. ओके, उसके बाद में डबल कलर्स में है, प्लाकार्ड टाइप में, प्लाकार्ड सॉरी सॉरी ये रेड रेड पेटल टाइप में है. अच्छा, तो मेटालिक ही नहीं, आप देखोगे इनकी बॉडी की शाइनिंग से पता चल रहा है आपको मेटालिक. तो मैं एक एक बीटा, हर एक बीटा हमारे व्यूअर्स को दिखा देता हूँ. पहली बात हम बात करेंगे बीटा कीपिंग के ऊपर. बहुत सारे लोग जो है बीटा को सही तरीके से रख नहीं पाते. बीटा कीपिंग कैसे करें, राइट वे से बीटा को किस तरह से रखें भाई? सबसे पहली बात तो आपको जो टैंक जो साइज़ होगा, जो भी होगा टैंक या बाउल, वो आप सिंगल होगा, यानी आप उसमें दो बीटा ना डालें. काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक से दो बीटा एक साथ डाल देते जी, लड़ लेते आपस में. मेल्स जो होते हैं वो काफ़ी लड़ते हैं, को दिक्कत हो जाती है. जी जी जी, तो ये वजह से आप सिंगल जो बेटा होगा, सिंगल जो टैंक से होगा उसमें ही रखो आप. अच्छा, उसकी वजह ये रहती है कि ये बहुत एग्रेसिव होते हैं. अच्छा, खासतौर पे आपस में बहुत लड़ते हैं ये लोग. अच्छा, उनके फिन और एक बार फिन्स कट गए तो आप उसको ट्रीटमेंट करने में बहुत टाइम जाता है, रिकवर होने में काफ़ी टाइम चला जाता है. जी जी, हालांकि रिकवर हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइमेट, उसके बाद में जो इतना मच्छी का जो क्या बोलते हैं उसे झेल नहीं पाती, यानी जो कड़ी कंडीशन जो होती है वो झेल नहीं पाती कभी कभी. जी जी, सडनली मर भी जाते हैं ऐसा. अब ये तो हो गई बैठा जो आप रखने का जो तरीका है. जी जी, यानी आप छोटा टैंक ले लो, बाउल्स ले लो, इसको विदाउट ऑक्सीजन फिशेस को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे ऑक्सीजन भी डाल देते हैं, ये थोड़ा उसमें एडिशन वगैरह थोड़ा हटके थोड़ा व्हील्स वगैरह चलना चाहिए करके. अच्छा, क्या होता है इनको ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो जाता है. अच्छा, ये नेचुरल ऑक्सीजन बनाते हैं और खुद ही जो आप देखेंगे इनकी जो ऊपरी परत होती है पानी की उस पर हल्के हल्के बबल्स दिखेंगे आपको. अच्छा, ये तो फिलहाल ये लाइट अगर ये दिख नहीं रहे. अच्छा, नॉर्मली बिना लाइट के आपको दिख जाएंगे, थोड़े थोड़े बबल्स बनाते हैं लोग. तो उसको डायरेक्ट जो नेचुरल ऑक्सीजन होता है वही लोग लेते हैं. ओके, एक अलग से ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अच्छा, और अगली पॉइंट जो है मेजर पॉइंट हम बात कर रहे हैं बीटा केयर के बारे में. अगर बीटा की केयर की बात करें तो सबसे पहली परेशानी जो बहुत से लोग झेलते हैं कि इनके फिन कट्स हो जाते हैं, तो वो फिन कट्स ना हो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? अगर हो जाए तो उसके लिए क्या सलूशन है? बताओ तो उनके ये ठंडी में ज़्यादा होता है, गर्मियों में तो इतना नहीं होता उसका बहुत. अच्छा, लेकिन फिर भी आपको बता देता कि अगर गर्मी हो चाहे ठंडी हो, आप सबसे पहली बात तो ये प्रिकॉशन लें कि कोई भी चीज़ आप नया पानी ना डालें. अच्छा, कोई भी फिश हो चाहे ये बेटा ही नहीं और भी कोई होते जी जी, नया पानी ना डालें आप. अगर नया डालोगे तो मछली को सडनली जो होता है पीएच लेवल और जो भी गर्मी चालू हो गई है तो वैसे क्लोरीन वगैरह भी ज़्यादा आता है पानी में कभी कभी, तो वो भी दिक्कत हो जाती है. तो आप नया ना डालें, एक दिन दो दिन पुराना आप एक बॉटल में भर के रखें जी, एक ड्रम में भर के रखिए, आपका जो भी यूटेंसिल्स है उसमें भर के रखें जी जी. और उसमें आप हो सके तो एलमंड लीव जो होता है
बादाम का पत्ता जी, बादाम का पत्ता वो डाले, या तो फिर एंटी क्लोइन जो होता है व्हाइट अच्छा। जिसको कहते हैं बहुत से लोग जी जी, एंटी क्लोइन वो ले ले, आपकी नियर बाई शॉप से ही मिल जाएगा, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, कुरला आने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, उस चीज़ के लिए कहीं भी आप वो आपको कहीं भी मिल जाता है। रही बात एलमोन लीड की, तो एलमोन लीड तो आप जानते ही हो कि जो बादाम का पत्ता होता है वो नॉर्मली कहीं भी आप जाओगे तो झाड़ वाड़ के नहीं, कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा, तो एक थोड़ा रेडिश जैसा रहता है वो ले लेना आप, थोड़ा कटिंग करके एक बॉटल में डाल के रखो, कि पानी वो बना के रखो तो भी चल जाएगा। ये ध्यान रहे कि पानी जो होगा वो फ्रेश वाटर ही हो, फ्रेश वाटर, हाँ सॉल्ट वगैरह ना हो उसमें। अच्छा, ऐसा पानी यूज़ ना करें जिसमें ऑलरेडी कुछ केमिकल वगैरह हो। अच्छा, बॉल में भाई कितना पत्ता डालना चाहिए, बिकॉज अगर पूरा डालने के तो बहुत सारा पानी ब्लैक हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा ही डालना है ना, इसलिए वो थोड़ा ब्लैक, मतलब क्या हो पीएच लेवल मेंटेन रख बराबर है उसको, तो इसीलिए वो थोड़ा ब्लैकिशपन जैसा दिखता है, लेकिन वो जो फिश के लिए बहुत अच्छा होगा। आप ज़्यादातौर पर देखे रहेंगे आप पैडों का सडनली पानी चढ़ाते हो जी जी, तो बैठ जाती है, फिन दबा देती है या फिर मर जाती है जी जी जी। उसकी वजह है कि पैडों को पुराना पानी चलता है और थोड़ा गंदा पानी, गंदा यानी कि मडी टाइप जैसा होता है ना, ओके वो भी चल जाता है, लेकिन मडी मतलब यानी कि उसमें पत्ता डाल दें भी। अच्छा अच्छा, एक जैसा है। और ये वाले सेक्शन के बाद और एक सेक्शन इन्होंने, इनकी जो टेबल है वहाँ पर इन्होंने बनाई है, और यहाँ पर ये बेटा मुझे काफ़ी पसंद आई है, थिंकिंग टू एड दिस बीटा टू माई पर्सनल कलेक्शन। तो भाई बीटा की फीडिंग के बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? फीडिंग तो देखो दो तरीके की फीडिंग होती है, एक लाइव फीडिंग होती है और एक ड्राई फीडिंग होती है। ड्राई नहीं है, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप डालते हो। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स में आप बेटा का एक फूड आता है जी जी, खास तौर पर उसका फूड ही आता है जी जी, तो वो आप ले लो, वो आप डाल दोगे तो भी चल जाएगा आपको। तो इनकेस आपको अगर लाइव फीड भी डालना है तो आप जो टीवी फिक्स ऑन आता है वो डाले, जिसको कीड़ा कहते हैं गट्टा साली का जी जी, वो डालना है आपको, जो ब्लड होता है वो नहीं डालना है। अच्छा, बट से इनको तकलीफ हो जाती है। ओके, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके बारे में ऐसा तो जानकारी देने में कुछ नहीं है, लेकिन क्या होता है जी जी, जो बेसिक जो चीज़ें हैं जी जी जी, बेसिक चीज़ वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ऑलराइट भाई, तो दाम वगैरह इनके कुछ जान सकते हैं? देखो दाम तो ऐसा होता है कि आप जानते हैं कि होलसेल का शॉप है जी जी जी, तो आपको अगर क्वांटिटी लेना है तो क्वांटिटी में आपको अलग रेट पड़ता है और सिंगल पीस में अलग पड़ता है। ओके, यहाँ आप क्वांटिटी लेते हो। अच्छा, तो आपको एक अप्रॉक्सीमेटली 200-250 के आसपास पड़ता है। ओके, और सिंगल पीस लोगे आप जी जी, 350-300 या 250 तक के रेंज पकड़े, 250-350 तक रेंज पकड़े। अच्छा, ओके, क्योंकि कैसा है जो डिपेंड करता है कौन सी फाइटर क्या रेंज की होती है जी जी जी, कुछ फाइटर ऐसी होती है जो एक्जॉटिक होती है वाइट्स में, जैसे वाइट वगैरह है जी जी जी, थोड़ी महंगी आती है। अच्छा, तो आपको ये जो सारी चीज़ें थोड़ी महंगी मिलेगी आपको, फुल वाइट हो गई या फुल ब्लैक हो गई जी जी जी, इस चीज़ में तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और क्या होता है, काफ़ी लोग क्या होता है कि नहीं ये चीज़ हमको वहाँ पर इतने में मिलती है, इतने मिलती है, ऐसा नहीं होता जी जी, क्वालिटी भी डिपेंड माने जी जी, क्वालिटी मेन जो चीज़ होती है वो होता है जी जी, बाकी नॉर्मल आप 25 रुपये से लेके 500 रुपये तक फाइटर खरीदते हो जी जी, लेकिन होता है मेन क्वालिटी। और 50 रुपये वाली भी होती है, 25 वाली भी, 30 रुपये वाली भी होती है, 100 रुपये वाली भी होती है फाइटर। ओके, लेकिन होती है क्वालिटी में डिफरेंस। ओके, ऐसा। और तब्रेज भाई, काफ़ी सारे लोग आपका नंबर पूछते हैं, तो क्या आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकता हूँ भाई मैं? ठीक है, ऐड करो, लेकिन उनको कहना है कि जो फ़ोन होता है जी जी, 1 से 5 के टाइम पे ही करें, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा रहता है कि मेरा खुद का काम रहता था जी जी जी, मैं पिकअप नहीं कर पाता, या काफ़ी लोग ऐसे रहते कि नहीं मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए या एक्स वाई जेड, तो इन्फॉर्मेशन तो आप नॉर्मली आप वीडियो से भी बहुत से ऐसे साइट से या फिर बहुत से ऐसे चैनल से वहाँ से आपको मिल जाएंगे जी जी। और ये बात फिशेज की जो आपको क्वालिटी में चाहिए या क्वान्टिटी में चाहिए, तो उसके लिए आप डिटेलिंग करें। ओके, ज़्यादा तौर पर लोग बाहर रहते हैं, जैसे आप आउट ऑफ मुंबई हो गए या आउट ऑफ महाराष्ट्र से कॉल करते हैं जी जी, उनके लिए मैं एक ही बोलना चाहूँगा कि आपकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो मैं आपको माल भेजने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, लेकिन आपकी क्वांटिटी अगर आप मुझे बोले कि 2 या 4 या आप पार्सल से कर लो या फिर आप कुरियर से कर लो, तो वो इम्पॉसिबल है। क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपको अगर 350 की सिम्पल सपोज कि आपको मैंने फाइटर दिया जी जी, अब ये आगे जाके आपको नहीं बोल के अगर आपको नहीं नहीं जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जी जी, 350-400 तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगा जी, एनवेज लेके जाने में तो आपका तो मच्छी ऐसे 600 रुपये का आता जी हो जाता है, तो इसके लिए मैं मना करता हूँ। खासकर बहुत सी मच्छी होती है जो ऑक्सीजन वाली होती है, उनको दिक्कत हो जाती है जी जी, ये क्लाइमेट में क्या ऑक्सीजन की तकलीफ हो जाती है, मर जाती है। ओके भाई, थैंक यू सो मच भाई जानकारी देने के लिए। आपकी शॉप जो ममता ज्वेलर्स है उसके सामने जो गली है वहाँ पे शाकपन एक्वेरियम है, आप शाकपन एक्वेरियम पे आओगे जो पहला वीडियो था जी जी, वहाँ पर भी आओगे तो आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। अच्छा, और इसके बाद में अगर इनकेस आपको नहीं समझ में आया जी जी, शॉप मिलारी मस्जिद गली, मिलारी मस्जिद वहाँ पर है, या आप नियर बाई येवले चाय करके आप देख लो। अच्छा, येवले चाय करके सवेरा बिल्डिंग है। अच्छा, बिल्डिंग के नीचे ही है
ठीक है, सवेरा सोसाइटी बिल्डिंग भी आप बोलोगे तो भी मिल जाएगा. तो ये सारे बीटास भाई रिटेल में एज वेल एज होलसेल में अवेलेबल है राइट? ये दोनों में अवेलेबल है, होलसेल प्लस रिटेल. लेकिन कैसा रहता है, पहली प्रायोरिटी हम लोग की होलसेल की रहती है. ऑब्वियसली हम लोग होलसेल की रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप रिटेल के नहीं है, आप भी ले सकते हो. लेकिन एक पीस लेने में आपको थोड़ा अलग रेंज पड़ेगा और क्वान्टिटी लेने में आपको अलग रेंज पड़ेगा. जी जी. तो भाई आपके फिश स्टॉक का हम कब वीडियो ले सकते हैं भाई? आप ऐसा तो मुझे नहीं है, आप कभी भी ले सकते हो. लेकिन फिलहाल तो आप बेटा का ले लो. जी जी. और जो चीज़ है अच्छी लग रही है आपको, जी जी, आपको पसंद है, अगर लग रही है तो आप बता दो मुझे. जी भाई जी, जरूर हम उसके ऊपर प्लान करेंगे. शुक्रिया भाई जानकारी बताने के लिए. सो दिस वॉज टूडेज वीडियो अबाउट द बीटा फिश अवेलेबल एट तबरेज भाई शॉप. इफ यू लाइक दिस वीडियो डू द थम्स अप बटन एंड स्टे ट्यून्ड टू वॉच सम मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस कमिंग सून एज़ द इंसेप्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ वंडरफुल डे अहेड. The contact number and address of the Tabrez Bhai shop is mentioned in the video description.